नमस्कार मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। देखते हैं जून के महीने में नव ग्रहों के गोचर का तुला राशि और तुला लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों गोचर वर्ष जून के महीने में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। 22 जून को मंगल देव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। शनि और बृहस्पति देव पूरे महीने वक्री अवस्था में रहेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं अब की राशि स्वामी शुक्र देव से। शुक्र देव जून के महीने में तीन राशियों में गोचर करेंगे। वह 4 जून तक आपकी तुला राशि के सप्तम भाव और मेष राशि में भ्रमण करेंगे। दोस्तों मेष राशि मंगल देव की अग्नि तत्व राशि में शुक्र देव की स्थिति के अनुसार आपकी प्रवृत्ति विलासी हो सकती है। आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अधिक रहेगा। आपको वैवाहिक जीवन में निष्ठावान बने रहना होगा। 4 जून को शुक्र देव मेष राशि और सप्तम भाव से प्रस्थान कर अपनी स्वयं की राशि वृषभ और अष्टम भाव में 29 जून तक भ्रमण करेंगे। दोस्तों किसी भी ग्रह के लिए अष्टम भावस्थ गोचर शुभ नहीं होता, परंतु शुक्र देव का अपनी स्वयं की राशि में होने के कारण यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। अष्टम भावस्थ शुक्र देव की दृष्टि धन भाव और धन कारक बृहस्पति देव पर पड़ रही है, जो आपके धन में वृद्धि करवाएगी। आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आप भोग विलास की सामग्री में व्यय कर सकते हैं। अपने कुटुंबियों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके अपने जीवन साथी के साथ होटल वगैरह में खाने या मनोरंजन विषयों में सम्मिलित होने के सुयोग बनेंगे। दोस्तों 15 जून तक शुक्र देव के साथ लाभ आपके स्वामी सूर्य देव युति में रहेंगे। इसके फलस्वरूप आप कि पत्नी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो सकती है। सूर्य देव का अष्टम भावस्थ गोचर के कारण आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में कमी आ सकती है। कोई सरकारी दंड जैसे जुर्माना, चलान कट जाना ऐसे हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं भाग्य भाव के स्वामी बुध देव की। बुध देव 2 जून से लेकर 21 जून तक नवम भाव भाग्य भाव में अपनी स्वयं के भाव में राहु और धन भाव के स्वामी मंगल देव के साथ भ्रमण करेंगे। बुध देव की अपने ही भाव में स्थिति भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। इससे पहले आपका जो भाग्य डगमगा रहा था, अब उसमें स्थिरता आएगी। आपका भाग्य आपके विदेश के साथ संपर्क स्थापित करेगा और आपके विदेश से धन लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों 15 जून को सूर्य देव भी अष्टम भाव और वृषभ राशि से प्रस्थान कर नवम भाव भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। इससे पहले अगर आपके शरीर या हड्डी में कोई दर्द था, अब वह दर्द ठीक हो जाएगा। अगर पहले पिता के साथ नहीं बनती थी, अब इस ग्रह गोचर में संबंध मधुर हो जाएंगे। दोस्तों नवम भाव में सूर्य देव के साथ युति में राहु, मंगल और बुध देव भी गोचर करेंगे। बौद्धिक राशि मिथुन में सूर्य देव की युति बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी, जो आपकी धन के साथ साथ मान सम्मान और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। दोस्तों 21 जून को बुध देव और 22 जून को मंगल देव मिथुन राशि और नवम भाव से प्रस्थान कर दशम भाव और कर्क राशि में गोचर करेंगे। सप्तम और द्वितीय धन भाव के स्वामी युति भाग्य भाव के स्वामी के साथ दशम कर्म भाव में बनेगी और धन भाव से धन कारक ग्रह बृहस्पति देव की पूर्ण दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी, जो आपके कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगी। आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से सफलता अर्जित करोगे। मंगल देव की चतुर्थ भाव में दृष्टि के फलस्वरूप आपको जमीन जायदाद के कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा। आप अपने कार्यक्षेत्र के कार्य से कहीं दूर की यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों जून महीने के आखिरी हफ्ते के गोचर में आपका क्रोध और आवेश सामान्य से अधिक रहेगा। तुला राशि के लिए जून का गोचर फल कर्म फल के साथ साथ भाग्य कारक भी रहेगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।